इफ आल्फा बीटा द टू रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो द वैल्यू ऑफ आल्फा टू दावर वन जीरो प्लस बीटा टू दावर वन जीरो थ्री जीरो ओके अभी यह इक्वेशन को देख के तुम लोग को पता लगना चाहिए जैसे हमने बोला था कि इसका जो दो रूट्स आएगा वो होगा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर कैन यू रिमेंबर देर फोर आल्फा इज ओमेगा एंड बीटा इज ओमेगा स्क्वायर देखो कितना तुरंत यह सम हो जाएगा ओनली इफ यू कैन रिमेंबर दैट द टू रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर देयर फोर इसका वैल्यू कितना होगा फिर अभी आल्फा के जगह में इन प्लेस ऑफ आल्फा यू पुट ओमेगा एंड इन प्लेस ऑफ बीटा यू पुट ओमेगा स्क्वायर सो ओमेगा स्क्वायर होल्ड टू दी पावर वन ओ थ्री ओ

थ्री फोर्टी थ्री इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब होल टू दावर सिक्स एट्टी सिक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर टेल मी ये सर नो ओमेगा क्यूब का वैल्यू होता है वन सो ये आएगा ओमेगा इसमें आएगा सिर्फ ओमेगा स्क्वायर एंड वी नो दैट वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज जीरो सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इन प्लेस ऑफ दिस वी विल पुट माइनस वन एंड दैट इज योर आंसर इज इट क्लियर यही क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट करें और बोले कि इस इक्वेशन का दो रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। एज आई टोल्ड यू इफ यू कैन रिमेंबर इसका दो रूट क्या होगा इसका दो रूट्स अदरवाइज क्या करना पड़ेगा इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है ना तो इसमें टाइम चला जाएगा इसके लिए हम बोला बच्चों कि अगर हो सके तो इसको याद रखो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो इसका अगर दोनों रूट्स अल्फा एंड बीटा है देन अल्फा विल बी माइनस ओमेगा एंड बीटा विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर यही तो दो चीज याद रखना है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो का दो रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है एक्से स्क्र माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो का दो रूट्स माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है क्लियर हुआ अभी हमें चाहिए इसका वैल्यू वही सेम चीज अभी अप्लाई कर देंगे अभी तो इजी हो गया क्योंकि हमको ओमेगा मिल गया सो माइनस ओमेगा टू दावर वन जीरो थ्री जीरो प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर टू दावर वन जीरो थ्री जीरो सो इट विल गिव यू माइनस विल वैनिश एंड इन दिस थिंग यू विल गेट टू जीरो सिक्स जीरो नो अभी ये चीज तो तुम्हारा एकदम ऐसा हो गया हां कि ना मतलब इसका आंसर इसका आंसर सेम आएगा सो इसका आंसर होगा क्या अगेन माइनस वन इज इट क्लियर है प्रॉब्लम सो प्लीज रिमेंबर दिस टू फॉर्म्स एज आई टोल्ड यू बिफोर अगेन आई एम टेलिंग यू प्लीज रिमेंबर दिस टू फॉर्म्स ओके लेटमी टेक अनादर एग्जाम्पल इवेलवेट वन माइनस ओमेगा वन माइनस ओमेगा स्क्वायर वन माइनस ओमेगा टू दी पावर फोर एंड वन माइनस ओमेगा टू दी पावर फाइव पहले हम लोग बेसिक सम्स ले रहे हैं इसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे हा सो so, इसका क्या करोगे पहले तो ओमेगा टू दी पावर फोर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं ओमेगा टू दी पावर फोर कैन बी रिटन एस ओमेगा क्यूब इन टू ओमेगा ओमेगा क्यूब का वैल्यू वन होता है सो ये सिर्फ आएगा वन माइनस ओमेगा ओमेगा फाइव को कैसे लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इन टू ओमेगा स्क्र ओमेगा क्यूब वन आ जाएगा फिर इसको होगा ओमेगा स्क्वेयर तो ये बनेगा वन माइनस ओमेगा स्क्त ठीक है ना तो ये दोनों को मिलके हम लोग लिख रहे वन माइनस ओमेगा का होल स्क्वेयर और इन दोनों को मिला के हम लोग लिख रहे वन माइनस ओमेगा स्क्वेयर का होल स्क्र ओके ए माइनस भी होल स्क्तर एक्सपेंड करो कितना मिल रहा है वन माइनस टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इसको एक्सपेंड करो वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर फोर क्लियर अभी यहां पर देखो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर मेरा पास क्या है वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज जीरो सो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम लोग माइनस ओमेगा लिख सकते हैं सो माइनस ओमेगा माइनस टू ओमेगा यहां पर वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू द पावर फोर जस्ट नाउ आई टोल्ड यू इट इज नथिंग बट ओमेगा So, इसको हम लोग क्लिक ओमेगा ओनली इज इट क्लियर फिर मिल रहा है क्या माइनस थ्री ओमेगा यहां से और यहां से क्या मिल रहा है वन प्लस ओमेगा वन प्लस ओमेगा को हम लोग रिप्लेस कर सकते माइनस ओमेगा स्क्वायर से सो so, हम लोग को मिल रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस टू ओमेगा स्क्वायर दैट गिव्स माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर सो कितना मिल रहा है बोलो बच्चों माइनस माइनस प्लस

इसका क्या होगा देखो अगेन मेरा पास ये फॉर्मूला है वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज जीरो एंड ओमेगा क्यूब इज वन ये दोनों को हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे देखो यहां से थ्री प्लस थ्री ओमेगा को तुम लोग कैसे लिख सकते हो थ्री अगर हम कॉमन ले, ले लेते हैं सो वन प्लस ओमेगा प्लस फाइव ओमेगा स्क्वायर होल सिक्स फिर वन प्लस ओमेगा को हम लोग रिप्लेस करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर से माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर प्लस फाइव ओमेगा स्क्वायर होल सिक्स तो कितना बन रहा है टू ओमेगा स्क्वायर होल सिक्स ठीक है सो टू टू पावर सिक्स ओमेगा टू दी पावर ट्वेल्व ओमेगा टू दी पावर ट्वेल्व को कैसे लिख सकते हो ओमेगा क्यूब होल फोर ओमेगा क्यूब वन सो यह बन रहा है सिर्फ टू टू पावर सिक्स टू टू दावर सिक्स से सिक्सटी फोर इज इट क्लियर मी टेक दिस थिंग अगेन थ्री प्लस फाइव ओमेगा प्लस थ्री ओमेगा स्क्वायर होल टू दी पावर सिक्स इसको कैसे बनाए अच्छा देखो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं देखो तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से कर रहे सो so, यहां पर हम लोग का होगा टू ओमेगा देखो समझ में गया कि नहीं फाइव ओमेगा को हमने लिखा थ्री ओमेगा प्लस टू ओमेगा अभी थ्री को यहां से कॉमन ले लिया सो so, बचा मेरा टू ओमेगा अभी वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज जीरो सो ये क्या बन रहा है टू ओमेगा होल टू पावर सिक्स मतलब टू टू दी पावर सिक्स ओमेगा टू पावर सिक्स फिर से ओमेगा टू पावर सिक्स का मतलब क्या हुआ ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर ओमेगा क्यूब वन है तो इसका वैल्यू वन होगा सो so, इसका वैल्यू आएगा टू टू पावर सिक्स विच इज अगेन सिक्सटी फोर इज इट क्लियर के दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन विच इज इक्वल टू सिक्सटी फोर प्रूफ हैव यू अंडरस्टूड दिस मी टेक टेकर एक्साम्पल अभी देखो बोला है यहां पर प्रूफ दैट एक ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड डिवाइडेड बाय एक्स ओमेगा प्लस वाई प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं कैसे करें इसको मी देखो बच्चों ओमेगा क्यूब इज वन ओमेगा क्यूब इज वन मतलब यहां पर सिर्फ जेड है जेड मतलब जेड इंटू वन उस वन को हम लोग लिखते हैं ओमेगा क्यूब अगर ऐसे हैं तो ऊपर से तुम ओमेगा कॉमन लो तो क्या बन रहा है ऊपर में क्या बचा है एक्स ओमेगा प्लस वाई प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर देखो कॉमन आ हा गया हाँ कि ना कॉमन आ गया डिनोमिनेटर से। सो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या ओमेगा विच इज योर राइट हैंड साइड These are all simple sums. Why I'm taking those sums? Because your foundation will be strong. That is why I'm taking initially easy sums. And after that, we will increase the level of the problem. Okay. Let us take another example. See this problem. Show that minus one plus root over minus three by two whole 19 plus minus one minus under root minus three by two whole 19 is minus one. अभी बच्चों तुम लोगों को इसको देख के ही पता लगना चाहिए कि किसका वैल्यू है अगर ये नहीं आ रहा है तो ये सब तुम कर नहीं पाओगे एक्चुअली माइनस वन प्लस रूट ओवर ऑफ माइनस थ्री बाई टू इसका मतलब क्या हुआ माइनस वन प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू ये किसका वैल्यू है ये ओमेगा का वैल्यू है और माइनस वन माइनस रूट ओवर माइनस थ्री बाई टू इसका मतलब क्या है माइनस वन माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू ये किसका वैल्यू है ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है ये अगर आइडेंटिफाई कर लोगे तो ये सम करना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें क्या लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है ओमेगा टू दी पावर नाइनटीन प्लस ओमेगा स्क्वायर होल टू दी पावर नाइनटीन तो क्या बन रहा है ओमेगा टू दी पावर नाइनटीन प्लस ओमेगा टू दावर थर्टी एट हा कि ना ओमेगा टू दी पावर नाइनटीन को कैसे लिख सकते हो ओमेगा क्यूब होल टू दावर सिक्स इन ओमेगा और ओमेगा क्यूब होल टू दी पावर ट्वेल्व इन ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा क्यूब इज वन मतलब ये बन रहा है ओमेगा और ये बन रहा है ओमेगा स्क्वायर हां कि ना फिर से हमको पता है वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज जीरो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं माइनस वन विच इज योर राइट हैंड साइड हैव यू अंडरस्टूड मतलब ये सब साम्स को देख के तुम्हें पता लगना चाहिए कि ये ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहे है. और ये ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे और द अदर वे राउंड यू कैन टेक दिस थिंग एज ओमेगा दिस थिंग विल बी ओमेगा स्क्वायर मैटर लेकिन ये पता लगना चाहिए कि ये ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे तभी जाके ये साम तुम कर पाओगे इजीली अदरवाइज कर नहीं पाओगे ठीक है ओके लेटस टेक अनदर प्रॉब्लम इफ अल्फा एंड बीटा द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ वन शो दैट अल्फा टू दी पावर फोर प्लस बीटा टू दावर फोर प्लस अल्फा टू दी पावर माइनस वन into beta to the power minus 1 is 0. It is the same question, same ice cream with a different topping. You see, they have said that alpha and beta are the complex cube roots of unity. What does it mean? That alpha is omega and beta is omega square. That's it. Now we have to find out the value of this. So simply putting the value of alpha and beta we are getting. Omega to the power 4 can be written as omega cube into omega. And omega to the power 8 can be written as omega cube whole square into omega square. This thing is coming to omega to the power minus 3. We know that omega cube is 1. So this thing will give you omega. This one is omega square. And this is what? 1 by omega cube. Again, omega cube is 1. So it is omega plus omega square plus one, which gives us zero. Is it clear? So that is your right hand side. Is it clear to all of you? Let us take another problem. If omega is an imaginary cube root of unity, then prove that a plus b omega plus c omega square whole cube plus a plus b omega square plus c omega whole cube is 2a minus b minus c, 2b minus c minus a, 2c minus a minus b and this will be equals to 27 abc if a plus b plus c is 0. Okay. Let us first prove the first part. Let us assume x is a plus b omega c omega square and y is a plus b omega square plus c omega. Is it clear? Therefore, the expression is basically xs cube plus y cube. xs cube plus y cube can be written as x plus y into x square minus x y plus y square, correct? Now इसको हम लोग कैसे करेंगे देखो The same thing that I taught you in case of x cube minus y cube. So इसमें लिखेंगे x square plus omega plus omega square x y plus y square omega cube. Yes or no? क्योंकि one plus omega plus omega square is zero and omega cube is one. इसको अगर हम open करें तो क्या मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओके अभी देखो इन दोनों से हम कॉमन ले रहे एक्स सो इट इज एक्स प्लस ओमेगा वाई इन दोनों से हम कॉमन ले रहे ओमेगा स्क्वायर वाई तो हमको बच रहा है क्या एक्स प्लस ओमेगा वाई फिर एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई X plus omega square y. Okay. So I will suggest all of you to remember this as a formula again. X s cube plus y cube equals to x plus y into x plus omega y into x plus omega square y. As we have done in a cube minus b cube, which was a minus b a minus omega b into a plus eh, sorry a minus omega square b. Same thing here also. X cube plus y cube will give you this formula. Abito very simple ho gaya. अभी हम क्या करेंगे x और y का इन प्लेस ऑफ x एंड y वी विल रिप्लेस दोस वैल्यूज एंड लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग x प्लस वाई क्या मिलेगा तुरंत बोलो x का वैल्यू इज ए b बी ओमेगा c सी ओमेगा स्क्स ए प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो हम लोग को क्या मिलेगा यहां से a प्लस ए इज टू ए अभी देखो यहां से मिल रहे है b ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर अगर हम b कॉमन ले लेते हैं तो हम लोगों को मिलेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विच कैन बी रिप्लेस बाय माइनस वन सो दिस वन विल गिव यू माइनस बी सिमिलरली फ्रॉम दिस टू इफ आई टेक सी कॉमन वी आर हैविंग ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगेन विच कैन बी रिप्लेस बाय माइनस वन तो उसके लिए क्या आएगा ओनली माइनस सी इज इट क्लियर अभी करते हैं एक्स प्लस ओमेगा वाई क्या बनेगा एक्स का मतलब क्या है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा वाई क्या है ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बन रहा है बोलो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस बी ओमेगा क्यूब प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बराबर अभी इन दोनों से अगर हम ए कॉमन लेते हैं तो इट इज वन प्लस ओमेगा इन दोनों से हम सब मिल रहे क्या इन दोनों से हम लोगों को मिल रहे है क्या टू सी ओमेगा स्क्वायर और इन दोनों को अगर हम b ओमेगा कॉमन लेते हैं सो वी आर लेफ्ट विथ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बोलो हाँ कि ना अभी फिर से देखो वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज जीरो सो वन प्लस ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर सो इट इज a माइनस ओमेगा स्क्वायर, टू सी ओमेगा स्क्वायर, और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को कैन बी रिप्लेस्ड बाई माइनस ओमेगा सो इट विल बी माइनस बी ओमेगा स्क्वायर ठीक है अभी हम लोग ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेते हैं सो so, क्या मिल रहा है टू सी माइनस ए माइनस बी ठीक है अभी द लास्ट पार्ट विच इज लेफ्ट विथ इज एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई सो एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई क्या बनेगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई का वैल्यू पुट करो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा मी मल्टीप्लाई अभी देखो b ओमेगा टू दी पावर फोर ओमेगा टू दी पावर फोर मतलब ओनली ओमेगा देर फोर बी ओमेगा टू दी पावर फोर विल बी बी ओमेगा और यहां से मिल रहा है बी ओमेगा सो टू बी ओमेगा a और a ओमेगा स्क्वायर से अगर हम a कॉमन लेते हैं सो वी आर लेफ्ट विथ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इज वन सो दिस वन इज ओनली c पहले इन दोनों को क्या मिल रहा है सी प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अगर c हम कॉमन लेते हैं फिर हम लोग को मिल रहा है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर अभी अगेन वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज जीरो हम लोग फिर से अप्लाई करते हैं यहां पर सो टू बी ओमेगा इन प्लेस ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आई कैन राइट माइनस ओमेगा सो इट इज माइनस ओमेगा माइनस सी ओमेगा अभी ओमेगा कॉमन ले लो सो वी आर लेफ्ट विथ टू बी माइनस ए माइनस सी बोलो हा कि ना अभी एक्सिस क्यूब प्लस वाई क्यूब नाउ इट कैन बी रिटन एज In place of x plus y we can write 2a minus b minus c. In place of x plus omega y, we can write it omega square into 2c minus a minus b. And in place of x plus omega square y, I can write this one which is omega into 2b minus a minus c. Now, omega square into omega gives you omega cube Matab, 1 hogya vochelagya. So bach. टू ए माइनस बी माइनस सी टू बी माइनस ए माइनस सी एंड टू सी माइनस ए माइनस बी इज इट क्लियर सो ये मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया ओके okay? अभी सेकेंड पार्ट प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन ए बी सी अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो क्वेश्चन देखो यहां पर इसको ट्वेंटी सेवन ए बी सी करना है अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो अभी कैसे करोगे बड़ी सिंपल चीज है ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो सो माइनस बी माइनस सी कैन बी रिटन एज ए ओनली सो दिस वन विल बी थ्री ए दिस इज थ्री बी एंड दिस इज थ्री सी हैव यू अंडरस्टूड इट माइनस अगर कॉमन लोगे तो क्या होगा बी प्लस सी बी प्लस इज माइनस ए सो टू ए माइनस ऑफ माइनस ए गिवस यू थ्री ए सिमिलरली यहां से मिलेगा थ्री बी यहां से मिलेगा थ्री सी टोटल कितना मिल रहा है ट्वेंटी सेवन एबीसी प्रूफ्ड इज इट क्लियर और नॉट एब्सोल्यूटली लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम सी दिस क्वेश्चन इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल्स टू वन बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वेर का होल स्क्वेयर वेर ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स, ओके अभी इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है जहां पर ए बी सी क्या है दे आर ऑल डिस्टिंक्ट और नॉन जीरो इंटीजर्स, ठीक है अगर हो सके तो वीडियो को यहां पर पॉज करो और ये शाम खुद कोशिश करो अगर नहीं होगा देन यू सी द दल्यूशन देखो एक चीज हम लोग को पता है कि z मॉट z स्क्वेर इज ऑलवेज z z बार तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वेयर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वेयर का होल बार अभी इसको कैसे लिख सकते हो a प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वेयर ए प्लस बी ओमेगा बार प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बार अभी हम लोग को पता है कि ओमेगा का कॉन्जुगेट इज ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट इज ओमेगा देर फोर आई कैन राइट ए प्लस बी ओमेगा बार कैन बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर बार कैन बी रिटन एज ओमेगा ओनली अगर हम मल्टीप्लाई करें सिंपल मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना मिलेगा अभी देखो ओमेगा टू द पावर फोर इज वॉट ओमेगा क्यूब इन टू ओमेगा ओमेगा क्यूब वन होता है सो so ये आएगा क्या ओमेगा ओनली ओमेगा टू द पावर फोर इज ओमेगा एंड वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज वन ठीक है अभी देखो ए स्क्वेयर यहां से आएगा मेरा बी स्क् और यहां से आएगा मेरा सी स्क्वेयर सो इसको पहले लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ठीक है अभी यहां पर है ए बी ओमेगा और यहां पर है ए बी ओमेगा स्क्वेयर अगर हम ए बी कॉमन लेते तो क्या बचते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इन दोनों में अगर एसी कॉमन लेते हैं तो क्या बचते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और इन दोनों से अगर हम बी सी कॉमन लेते हैं तो क्या बचते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू पावर फोर ओमेगा टू पावर फोर मतलब ओमेगा अभी हम लोगों को पता है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज जीरो ये एक्सप्रेशन अभी बनेगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बोलो हाँ कि ना इतना दूर तक पूरा क्लियर हुआ अभी इस एक्सप्रेशन को अगर हम हाफ से बाहर में लिखे तो टू अंदर चले जाएगा अभी इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हो तुम So, ये क्या बन रहा है ये आ रहा है ए माइनस बी होल स्क्वेयर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वेयर ठीक है अभी ये जो एक्सप्रेशन था ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वेयर का स्क्वायर ये एक्सप्रेशन रिड्यूस होके आए यहां पर क्लियर हुआ इज इट क्लियर अभी देखो क्वेश्चन पढ़ो कि एबीसी आर डिस्टिंकट नॉन जीरो इंटीजर्स एबीसी ऑल आर डिस्टिंकट एंड दे कैन नॉट टेक द वैल्यू जीरो ऑल इंटीजर्स बट कैनॉट टेक द वैल्यू जीरो तो मिनिमम वैल्यू इसका जो मिनिमम वैल्यू वो क्या आएगा जब एबीसी मिनिमम वैल्यू असाइन करेगा तो मिनिमम वैल्यू जो असाइन कर सकते है वो है ए वन बी तो वन ले नहीं सकते बिकॉज दे आर ऑल डिस्टिंकट बी टू एंड सी थ्री तो इसका बनेगा क्या क्या वैल्यू आएगा इसका अगर हम एबीसी का जगह में वन टू और थ्री पुट करें तो कितना आ रहा है वन स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर मतलब आ रहा है थ्री इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वेयर होल स्क्वेयर इज थ्री इज इट क्लियर सिमिलर सम ऑफ दिस काइंड ये क्वेश्चन देखो फाइंड द मिनिम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इसका मिनिमम वैल्यू निकालो जहां पर एबीसीक्वल इंटीचर्स प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था ऑल आर डिस्टिंक्ट मतलब कोई भी एबीसी के अंदर कोई भी इक्वल नहीं हो सकता लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं तीनों इंटीजर इक्वल नहीं हो सकता इसका मतलब क्या हुआ दो इंटीजर इक्वल हो सकता है एंड ओमेगा इज नॉट इक्वल टू वन इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अभी अभी हम लोग किए हैं क्या इसका स्क्वायर क्या हो रहा है हाफ ए माइनस बी होल प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर रिड्यूस करके यही आए थे जस्ट नाउ साम किए हैं हम लोग अभी यहां पर बोला है एबीसी आर ऑल नॉट इक्वल इंटीजियस लिटिल स्टेक दैट ए इज इक्वल टू बी इसका मतलब क्या हुआ बी इज नॉट इक्वल्स टू सी एंड सी इज नॉट इक्वल्स टू ए तो अगर इसका मिनिमम वैल्यू तुम्हें निकालना है इसका मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करोगे एबीसी का वैल्यू क्या लोगे मिनिमम वैल्यू क्या लोगे सो so दैट इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिनिमम आ जाए डेफिनेटली ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू वन लेते हैं और सी इक्वल्स टू टू लेते हैं सी दिस विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू

आर फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वेयर इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा वन ही आएगा समझ में गया तो द मिनिम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन मॉट ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वेयर इज मिनिमम वैल्यू इज वन इज इट क्रिएट ओके लेटेस्ट एक अनदर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखो इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ एक्स एस क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो वेर ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस वन बाई बीटा माइनस वन प्लस बीटा माइनस वन बाई गामा माइनस वन प्लस गामा माइनस वन बाई अल्फा माइनस वन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा तो बच्चों यहां पर एक काम करते हैं एक चीज हम लोग सीखते हैं जो हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है ना मान लो हम तुमको दिए हैं कि एक्स एस क्यूब माइनस एट इसका सोल्यूशन निकालो वॉट आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन तो क्यूब रूट ऑफ एट अगर निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे ऐसे करेंगे एक्स माइनस टू देन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो ऐसे करके इसको जीरो पुट करेंगे फिर इसको जीरो पुट करके फिर वहां से रूट निकालेंगे ये तरीका है लेकिन ये बहुत लंबा तरीका है ऐसा मत करो तो हम लोग करेंगे कैसे देखो तुरंत अगर आंसर निकालना है तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू एट लिख सकते हैं एट मतलब क्या एट इन टू वन अभी एक्स कितना होगा एट टू दावर वन थर्ड इंटू वन टू दावर वन थर्ड ठीक है जी अभी देखो एट टू दी पावर वन थर्ड कितना होता है टू इन टू वन टू दावर वन थर्ड अभी ये क्या है दिस इज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितना होता है तीन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है एक होता है वन एक होता है ओमेगा और दूसरा होता है क्या ओमेगा स्क्वायर ठीक है तो मेरा एक्स मतलब इसका रूट्स क्या क्या आएगा ना एक आएगा टू एक आएगा टू ओमेगा और तीसरा वाला आएगा टू ओमेगा स्क्वायर Have you understood this or not? ये clear हुआ कि नहीं तो कभी भी तुमको ये क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर तुमको निकालने के लिए बोले तो तुम राइट हंड साइड में इसको वन टू दावर वन थर्ड करके इसका जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसको अप्लाई करके हम लोग तुरंत उस एक्स का रूट निकाल सकते हैं दिस इज द इजिएस्ट वे ऑफ डूइंग चलो फिर देखते हैं कि हम लोगों को दिया कितना है एक्स एस क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल्स टू जीरो तो इसको थोड़ा सा बनाते हैं हम लोग ठीक है तो ये चीज मेरा क्या आएगा x माइनस वन का होल क्यूब और ये वाला आएगा माइनस एट ठीक है सो x माइनस वन क्या होगा फिर माइनस एट टू दावर वन थर्ड इंटू वन टू पावर वन थर्ड अभी माइनस एट टू पावर वन थर्ड कितना होता है टू माइनस टू इंटू वन टू दावर वन थर्ड अभी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अभी अभी बोले हम लोग को क्या है वन है ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है अभी तो एक्स माइनस वन क्या बनेगा माइनस टू और क्या बनेगा माइनस टू ओमेगा और माइनस टू ओमेगा स्क्वायर देखो बच्चों कितना तुरंत आ गया एक्स का वैल्यूज तो एक्स मेरा कितना आ रहा है माइनस वन वन माइनस टू ओमेगा और वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर यही है मेरा x का रूट्स ठीक है अभी बोले हैं कि बीटा गामा द रूट्स तो हम लोग लेते कि अल्फा इज माइनस वन बीटा इज वन माइनस टू ओमेगा एंड गामा इज वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। सो अल्फा माइनस वन बाई बीटा माइनस वन इस एक्सप्रेशन का भी वैल्यू देखते हैं कितना आ रहा है इन प्लेस ऑफ अल्फा एम पुटिंग माइनस वन सो इट इज कमिंग टू माइनस टू डिवाइडेड बाई बीटा माइनस वन क्या होगा माइनस टू ओमेगा बीटा माइनस वन होगा माइनस टू ओमेगा गामा माइनस वन होगा माइनस टू ओमेगा स्क्वेयर माइनस टू ओमेगा स्क्वेयर और अल्फा माइनस वन होगा माइनस टू सो क्या आ रहा है मेरा वन बाई ओमेगा वन बाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर बराबर अभी देखो इसका मतलब क्या हुआ वन बाई ओमेगा प्लस वन बाई ओमेगा कितना होता है टू बाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर अभी इसको क्या कर रहे हैं हम इसको हम ऊपर-नीच मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ओमेगा स्क्वायर से सो टू ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर अभी ओमेगा क्यूब कितना होता है वन तो ये क्या आएगा टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब थ्री ओमेगा स्क्वायर इसका मतलब हुआ इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आया थ्री ओमेगा स्क्वायर क्लियर हुआ ये सम क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्शन थोड़ा याद रखो ये बहुत काम में आएगा ठीक है चलो नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्वेश्चन देखो इफ अल्फा बीटा गामा द क्यूब रूट्स ऑफ पी जहां पर पी इज लेस देन जीरो एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स बीटा प्लस वाई प्लस जेड अल्फा तो यहां पर हम लोग को क्या निकालना है ना क्यूब रूट्स ऑफ पी जहां पर पी लेस देन जीरो मतलब एक्स यहां पर क्या है माइनस पी होल्ड टू दी पावर वन थर्ड और इसका साथ हम लोग लगा देंगे क्या वन टू दी पावर वन थर्ड इसका मतलब मेरा एक्स का रूट क्या क्या आया एक आया माइनस पी होल्ड टू पावर वन थर्ड एक आया माइनस पी होल्ड टू दी पावर वन थर्ड इन टू ओमेगा और तीसरा आया माइनस पी होल्ड टू पावर वन थर्ड ओमेगा स्क्वायर ठीक है

एंड गामा इज क्यू ओमेगा स्क्वायर ठीक है अभी ये वैल्यू को हम लोग इस एक्सप्रेशन में पुट कर रहे हैं। देखो क्या हो रहा है सो इन प्लेस ऑफ आल्फा एम पुटिंग क्यू सो इट इज एक्स क्यू प्लस वाई क्यू ओमेगा प्लस जेड क्यू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यू ओमेगा प्लस वाई क्यू ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड क्यू ठीक है अभी ऊपर नीच से q हम लोग कैंसिल कर रहे हैं तो ऊपर में है क्या x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स ओमेगा प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ठीक है अभी देखो इस x को हम लोग लिख सकते हैं x ओमेगा क्यूब क्यों ना ओमेगा क्यूब इज वन फिर इस ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा टू पावर फोर बिकॉज ओमेगा टू पावर फोर कितना होता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा मतलब ओमेगा होता है तो ओमेगा ही तो है सो so, उसको हम लोग लिख रहे हैं ओमेगा टू द पावर फोर और इसको लिख रहे जैसे है वैसे है जेड ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स ओमेगा प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड अभी ऊपर से ओमेगा स्क्वायर तुम कॉमन लो सो so, कितना आ रहा है एक सो मेगा प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड डिवाइडेड बाय एक्सो मेगा प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाँ कि ना अभी ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा क्या ओमेगा स्क्वायर क्लियर और नॉट देर फोर द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर दिस समझ में गया कि नहीं सिर्फ ये बात याद रखना है कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल रहे विद द हेल्प ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दैट इज वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ओके लेट मी टेक अनदर एग्जांपल इफ अल्फा इज टू आल्फाइज पावर आयोटा टू पाई बाय एन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेवन माइनस अल्फा इलेवन माइनस अल्फा स्क्वायर इलेवन माइनस अल्फा क्यूब ऐसे करते करते जा रहा है कितना दूर तक इलेवन माइनस अल्फा टू पावर एन माइनस वन अभी अल्फा इक्वल्स टू ई टू दी पावर आयोटा टू पाई देख के कुछ याद आ रहा है कि नहीं पहले ये डिसाइड करो इसको देख के कुछ बात आ रहा है कि नहीं जब किए थे तब याद है कि नहीं जहां पर के क्या क्या वैल्यू ले सकते जीरो वन टू ऐसे करते करते एन माइनस वन तक याद है सो so, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे है? मतलब अल्फा एक्चुअली क्या है इट इज द रूट ऑफ यूनिटी ऑफ यूनिटी को हम लोग को क्या क्या मिला था वन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब ऐसे करते करते अल्फा टू दावर एन माइनस वन यही तो हम लोग का एनेथ रूट ऑफ यूनिटी है ओके सो एक्स टू दावर एन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो इस इक्वेशन का मुझे इतना रूट्स मिला मतलब एन नंबर ऑफ रूट्स मिला तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं x माइनस वन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर ऐसे करके जा रहे हैं x माइनस अल्फा टू दावर एन माइनस वन बिकॉज एक्स टू दावर एन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो इस इक्वेशन का जो हम लोग का इन रूट्स है वो है वन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब ऐसे करते करते अल्फा टू दावर एन माइनस वन जहां पर अल्फा क्या है टू दी पावर आयोटा टू पाई बाई एन ओके अभी इन प्लेस ऑफ एक्स मी पुट इलेवन अगर x के जगह में तुम 11 पुट करोगे तो क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा 11 टू दी पावर n माइनस वन और राइट हैंड साइड में क्या आएगा 11 माइनस वन इलेवन माइनस अल्फा इलेवन माइनस आल्फा स्क्वायर फिर 11 माइनस आल्फा क्यूब ऐसे करते करते जाएंगे 11 माइनस आल्फा टू दी पावर n माइनस वन इलेवन माइनस वन कितना आ रहा है टेन इसको इसके नीचे लेके आओ फिर आ रहा है इलेवन टू दावर एन माइनस वन बाई टेन इक्वल्स टू इलेवन माइनस आल्फा इलेवन माइनस आल्फा स्क्वेर एंड दिस थिंग गोज ऑन इलेवन माइनस आल्फा टू दावर एन माइनस वन सो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना है इलेवन टू दी पावर एन माइनस वन बाई टेन ये शाम को पहले पहचानना पड़ेगा ये देखना पड़ेगा ये तुम्हें जानना पड़ेगा कि अल्फा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अगर ये तुरंत आ गया दिमाग में तो यह शाम करना कोई बड़ी बात नहीं है यह कोई भी कर सकते हैं लेकिन यह चीज अगर दिमाग में नहीं आए तो यू विल फेस प्रॉब्लम इन दिस सम ठीक है लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड अभी यहां पर देखो द क्वेश्चन इज सेम इफ अल्फा इज ई टू पावर आयोटा टू पाई बाई एन मतलब अल्फा क्या है अल्फा है वन रूट ऑफ द एन रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है पिछले साम में क्या था सेम क्वेश्चन था यहां पर सिर्फ इलेवन था तो यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू पावर n माइनस वन कितना होगा बोलो x माइनस वन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा स्क्वेयर ऐसे करते करते जा रहा है x माइनस अल्फा टू पावर n माइनस वन बोलो हा कि ना अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं x टू दी पावर n माइनस वन बाई एक्स माइनस वन इक्वल्स टू x माइनस आल्फा एक्स माइनस आल्फा स्क्वे एक्स माइनस आल्फा टू दावर एन माइनस वन ठीक है अभी हमें जो वैल्यू चाहिए वो है का इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव जाएगा मतलब आ जाएगा. तो यहां पर हम वो कर नहीं सकेंगे तो कैसे करें बच्चों यही चीज हम लोग कैसे करें थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो क्योंकि यहां पर x इन प्लेस ऑफ x हम लोग वन पुट नहीं कर पाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं इसको सॉल्व करने बिकॉज यहां पर राइट हैंड साइड में एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स आई वॉन्ट वन तो वन ले आने के लिए हम क्या कर रहे हैं हम दोनों साइड में लिमिट ले ले रहे लिमिट टेंस टू वन करके उससे फायदा क्या होगा क्योंकि जब एक्स वन टेंड कर रहे है, इसका मतलब एक्स इज नॉट एक्जैक्टली इक्वल्स टू वन इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा It will be very near to zero, but not exactly equals to zero. Are you getting the point? That is why we can apply the formula over here. We know a formula: limit extends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a equals to n a to the power n minus one. Why formula? the left hand side me lagasakte and right hand side mein in place of x, if I put one, we are going to have वन माइनस आल्फा वन माइनस आल्फा स्क्वायर ऐसे करते करते चलेगा वन माइनस आल्फा टू दी पावर एन माइनस वन और फिर इसका आंसर क्या आएगा इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा इस एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा एन समझे कि नहीं यहां पर सिर्फ डिफरेंस ये है कि इन द प्रीवियस सम यहां पर इलेवन था तो इन प्लेस ऑफ एक्स यहां पर अगर हम इलेवन पुट कर दे कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि यह चीज मेरा जीरो नहीं आ रहे थे लेकिन यहां पर अगर एक्स इक्वल्स टू वन पुट कर दे तो यह चीज जीरो आ जा रहा है तो यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जा रहे तो इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है तो एक ही तरीका बचा है वो है कि हम लिमिट ले लेते हैं वे एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स वन क्योंकि लिमिट का कॉन्सेप्शन क्या है जब तुम लेते हो कि एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स वन इसका मतलब यह हुआ कि एक्स वन एग्जैक्ट वन नहीं है मतलब ये कभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आएगा नहीं ओके okay? सो so, तुम तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा क्लियर हुआ ओके okay. चलो और एक साम लेते हैं अभी ये साम देखो ये साम बहुत मजेदार साम है फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा के स्टार्ट फ्रॉम वन टू सिक्स साइन टू के पाई बाई सेवन माइनस आयोटा कॉस टू के पाई बाई सेवन ओके तो इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? माइनस आयोटा हम पहले कॉमन ले रहे हैं। So, क्या आ रहा है बोलो बच्चों जल्दी बोलो कॉस टू के पाई बाई सेवन माइनस वन बाई आयोटा साइन टू के पाई बाई सेवन बोलो हां कि ना सो माइनस आयोटा सिग्मा के इक्वल्स टू वन टू सिक्स कॉस टू के पाई बाई सेवन और वन बाई आयोटा को कैसे लिख सकते हो आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो सो so, ये बनेगा माइनस आयोटा तो ये चीज होगा प्लस आयोटा साइन टू के पाई बाई सेवन हा कि ना अभी ये चीज है क्या ये तुमको देख के पहचानना पड़ेगा ये चीज है क्या ये चीज एक्चुअली है अच्छा से देखो दिस इज नथिंग बट द सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी टेल मी यस और नो अगर के का वैल्यू जीरो वन टू थ्री ऐसे करते करते सिक्स तक लेते हैं तो ये क्या बनते एक एक टर्म क्या बनेगा द सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी ठीक है अभी यहां पर इसको तुम कैसे लिख सकते हो माइनस आयोटा देखो अच्छा से सिग्मा के इक्वल्स टू वन टू सिक्स इसको लिख सकते हैं ई टू पावर आयोटा टू पाई बाई सेवन होल टू पावर के बोलो हां कि ना ये तुम्हारा क्या है सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी पावर में के है अभी के के जगह में अगर तुम वन से सिक्स तक पुट करोगे तो क्या आएगा लेट अस कंसीडर दिस इज अल्फा, ठीक है तो ये मेरा क्या है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा फोर प्लस अल्फा टू दी पावर फाइव प्लस अल्फा टू दी पावर सिक्स ये सर नो अभी ये क्या आ रहा है अभी अभी हम बोले कि अल्फा क्या है सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी सो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी सम ऑफ ऑल ऑफ सेवन रूट मतलब इसका आना चाहिए था अगर इसका उसको अगर तुम एड करोगे तो जीरो मिलेगा लेकिन मेरा पास वन नहीं है तो हम फोर्सफुलिसको वन प्लस किया और फिर सब चेक कर दिया वन अभी ये जो चीज है दिस इज द सम ऑफ द ऑल रूट्स ऑफ सेवेंथ रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब ये जीरो आएगा सो so, आएगा मेरा क्या माइनस आयोटा दिस थिंग सो आंसर विल बी ओनली आयोटा हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम क्लियरली समझ में गया कि नहीं ये तुमको पहले पहचानना पड़ेगा ये चीज है क्या एक बार ये चीज दिमाग में चला गया फिर इसको सांप करना कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी सिंपल मेथड से तुम ये साम्प कर सकते हो ठीक है ओके okay. देखो बच्चों बच्चे क्वेश्चन एज्यूम दैट ए सफिक्स आई आई इज वन टू थ्री डॉट डॉट टिल एन आर द वॉट ऑफ आर रेगुलर इन गॉन एन गॉन मतलब इन साइडेड पॉलिगन इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस एंड सेंटर एट द ओरिजिन इसका मतलब हुआ ए वन ए टू ए थ्री टिल ए एन आर द वाटिस ऑफ अ रेगुलर इन साइडेड पॉलिगन रेगुलर इन साइडेड पॉलिगन हम लोग लो लो लेटेस्ट जस्ट ड्रॉ दो पॉइंट मानो कि ये है ए वन ये मेरा सेंटर है ओ ये है ए टू यह है ए थ्री ऐसा करके चल रहे दीज आर ऑल द वाटिस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन यहां पर आ रहा है मेरा एन मतलब इफ आई ज्वाइन ऑल दोज पॉइंट दिस बिकम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल सरकमस्क्राइबिंग दिस रेगुलर इनसाइडेड पॉलीगन और इसका रेडियस है हर एक का रेडियस होगा क्योंकि वो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है वो रेडियस है वन अभी देखो यही सेम चीज हम लोग किए हैं

मतलब ये इनथ रूट्स ऑफ यूनिटी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कुछ भी यहां पर बोला नहीं है सो वी कैन नॉट एज्यूम दिस पॉइंट आर द सेम एज रूट्स ऑफ यूनिटी तो इसके लिए हम लोग कर रहे क्या वी आर टेकिंग दैट द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए वन से दिस इज जेड वन क्योंकि इसको तो हम 1.0 नहीं ले सकते बिकॉज हमको पता नहीं कि ये एक सेक्स के ऊपर है कि नहीं तो हम लोग इसका पोजिशन वेक्टर को z1 लेते हैं सिंस इट इज अ इनसाइटेड पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन मतलब ये सेंटर में जो एंगल बनाएगा वो है टू पाई बाई एन एनी टू वाटसेस विल सबेंड एन एंगल टू पाई बाई एन एट दिन ये भी टू पाई बाई एन ये भी टू पाई बाई एन हर एंगल होगा टू पाई बाई एन इतना दूर तक क्लियर है अच्छा अभी देखो मॉड्यूल ऑफ जेड वन दिस इज वन क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल इज वन अभी हम लोगों को ए का पोजीशन जानना है ए का पोजीशन हम लोग को कैसे पता चलेगा ऐसे जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में हमने बोला है कि कोई भी वेक्टर का ये पोजीशन अगर जानना चाहते हो और वो इन पॉलीगन का एक वॉटिक्स है तो इनिशियल जो पोजिशन है उससे अगर तुम ई टू दावर iota 2 पाई बाई n मल्टीप्लाई कर दोगे सो यू विल गेट द पोजिशन ऑफ द वॉटिक्स a2 बोलो हां कि ना a1 का पोजीशन क्या है z1 तब a2 का पोजीशन क्या क्योंकि यही वेक्टर घूम रहे दिस ओ ए वेक्टर इज रिवॉल्विंग अबाउट o ओके एंड इट इज टेकिंग द न्यू पोजीशन ओ ए इसका लेंथ भी चेंज नहीं हो रहा है बी केयरफुल इसका लेंथ भी चेंज नहीं हो रहा है तो ए टू का पोजीशन वेक्टर क्या होगा इनिशियल पोजीशन जो है उसका साथ एन e मल्टीप्लाई कर देने से यू विल गेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट एग्जैक्टली व्हाट आई हैव इन द प्रीवियस वीडियो क्लियर पहले ए टू का जो पोजीशन वेक्टर है वो है क्या जेड वन ई टू दावर आयोटा टू पाई बाई एन फॉर द सिंपलिसिटी लेट अस जस्ट अज्यूम दैट अल्फा इज इवर आयोटा टू पाई बाई एन इसका मतलब ए टू का जो पोजीशन आया वो क्या आया अल्फा, क्लियर अभी देखो A3 का पोजीशन कैसे आएगा A3 का पोजीशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इनिशियल पोजीशन क्या है अभी लेते हैं इनिशियल पोजीशन इज ओ ए टू तो ये ओ ए टू वेक्टर अगर इसका साथ हम मल्टीप्लाई करें इ टू दी पावर आयोटा टू पाई बाई एन दैट इज अल्फा अगर मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा पोजिशन वेक्टर ऑफ ए थ्री ए थ्री का पोजिशन वेक्टर होगा ओ ए टू ओ ए टू इज जेड वन अल्फा इन टू अल्फा सो दिवस स्क्वा ए थ्री का पोजिशन वेक्टर हुआ जेड वन अल्फा स्क्वेयर ठीक है इसका हुआ जेड वन अल्फा इसका हो गया जेड वन अल्फा स्क्वायर ऐसे करते करते ए फोर का पोजिशन वेक्टर क्या होगा फिर जेड वन आल्फा क्यूब एंड डिस्टिंग गोजन अभी ए एन का फिर क्या होगा जेड वन आल्फा टू दी पावर एन माइनस वन इतना दूर तक क्लियर हुआ बच्चों कोई दिक्कत नहीं कोई भी वाटेक्स का अगर पोजीशन वेक्टर या उसका पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन जानना है तो क्या करोगे इनिशियल जो वेक्टर है उस वेक्टर को ई टू पावर आयोटा टू पाई बाई एन से मल्टीप्लाई करो तो उस पॉइंट का नया पॉइंट का पोजीशन विक्टर तुम्हें मिल जाएगा ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो अच्छा अभी देखो हम लोग को जो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रूव दैट मॉड ऑफ ए वन ए टू स्क्स मोड ऑफ ए वन ए थ्री स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए वन ए फोर स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते ए वन ए एन स्क्वायर इज टू एन तो पहले हम लोग निकालेंगे व्हाट इज आवर ए वन ए टू का होल स्क्वायर ए वन ए टू का होल स्क्वायर मतलब है मॉड्यूलस ऑफ ए वन ए टू का होल स्क्वायर का मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन ए वन एंड ए टू डिस्टेंस का स्क्वायर अभी देखो इफ आई वांट टू फाइंड आउट ऑफ ए वन ए टू आई एम कंसिडरिंग द ट्राइंगल ओ ए वन ए टू अच्छा से देखो ओ ए वन ए टू तो इसको बाय यूजिंग द कोसाइन रूल व्हाट यू कैन राइट ए वन ए टू का स्क्वायर इज नथिंग बट मोड ऑफ ए वन स्क्वेर ओ ए टू स्क्वेर माइनस टू ओ ए वन ओ ए टू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दम दैट इज टू पाई बाई एन चलो और सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग लेते थे टू पाई बाई एन को थीटा सो ये क्या बनेगा वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर दैट इज टू माइनस टू थीटा. बोलो हाँ कि ना सो टू कॉमन लो इट इज वन माइनस थीटा. इज इट क्लियर अच्छा चलो अभी निकालते हैं ए वन ए थ्री का स्क्वायर अभी ए वन ए थ्री का स्क्वायर मतलब मुझे ये डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए तो लेट अस टेक द ट्रायंगल ओ ए वन ए थ्री ओ ए वन ए थ्री ये ट्रायंगल लोगे तो ए वन ए थ्री का होल स्क्वायर विल गिव यू कोसाइन रूल अप्लाई कर रहे हैं ऑफ़ एंगल बिटवीन देम ये एंगल कितना है ये एंगल टू पाई बाई एन है तो ये टोटल एंगल हुआ फोर पाई बाई एन मतलब टू थीटा ओ ए वन स्क्वायर इज वन सो दिस इज़ बेसिकली अगेन टू माइनस टू टू थीटा मतलब क्या आया टू अगर कॉमन लो तो वन माइनस कॉस टू थीटा इज इट क्लियर तो ऐसे करते अगर यहां पर ए वन ए फोर कस हम लोग निकाल चाहते हैं तो यह क्या आएगा दिस बी सेम जस्ट बाई लुकिंग द पैरिटी ऑफ दिस इसको देख के तुम बोल सकते हो कि इसका आएगा टू टाइम्स वन माइनस कॉस थ्री थीटा और ऐसे करते करते जाएगा तो जब ए वन ए एन स्क्वायर होगा तब इसका क्या आएगा टू टाइम्स वन माइनस कॉस एन माइनस वन थीटा बोलो हा कि ना अभी इसका अगर हम कॉरस्पोंडिंग साइड को एड करें तो क्या मिलेगा मतलब ए वन ए टू स्क्वेर ए वन ए थ्री स्क्वेर इसको सब अगर ऐड कर दे हम लोगों को क्या मिलेगा बोलो आई एम सिंपली राइटिंग दिस एक्सप्रेशन अभी अगर हम ब्रैकेट ओपन करें पहला बात है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, ये तो सीरीज देख के ही पता चल रहा है कि एन माइनस वन टर्म्स एट देयर। अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो एवरी ब्रैकेट से मुझे दो दो करके मिल रहे है। मतलब टोटल टू मिलेगा टू टाइम्स एन माइनस वन और जो बचा है उसको अगर हम ब्रैकेट में लिखे इज इट क्लियर अभी देखो ये क्या हो गया ये कॉस सीरीज हो गया जिसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं तो अगर तुम लोग को याद नहीं है प्लीज सी दैट वीडियो टू गेट द फॉर्मूला दैट आई हैव ऑलरेडी सेड इन द प्रीवियस वीडियो अभी यहां पर हमको देखना है कि मेरा जो अल्फा है वो है थीटा और जो बीटा है वो भी है थीटा और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इन माइनस वन तो वो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं दो आर नॉट कंफर्टेबल अगेन आई एम टेलिंग यू प्लीज सी द वीडियो यू विल गेट दिस फॉर्मूला आई हैव ऑलरेडी मेंशन देयर एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस देयर विदाउट प्रूफ सो इसमें क्या करेंगे हम लोग साइन एन बीटा बाई टू एन इज एन माइनस वन इन केस सो एन माइनस वन थी बाई टू डिड बाई साइन बीटा बाई टू बीटा बाई टू मतलब थीटा बाई टू इन दिस केस कॉस द फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई टू सो so, क्या आ रहा है टू एन माइनस वन माइनस टू अभी देखो टू पाई बाई एन इसको हम लोग लिए थे थीटा यस सो एन थीटा बाई टू इसको कैसे लिख सकते हो पाई तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे साइन पाई माइनस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई टू और ये वाला आएगा क्या कॉस एन थीटा बाई टू ओके टू टाइम्स एन माइनस वन अभी देखो साइन वन एट्टी माइनस थीटा इज साइन थीटर सो इट इज कमिंग टू टू साइन थी साइन थी और कितना वैल्यू होता है माइनस वन तो यहां पर प्लस हो जाएगा ये ये कट जाएगा तो बचेगा क्या टू एन माइनस वन प्लस टू बोलो हां की ना अभी ब्रैकेट ओपन करने से हम लोग को क्या मिल रहा है टू एन इसका मतलब हुआ इसका स्क्वायर का साम इज इक्वल्स टू टू एन वही हम लोगों को बोला है टू प्रूव इन द फर्स्ट पार्ट वही हम लोगों को बोला है टू प्रूव इन द फर्स्ट पार्ट इज इट क्लियर अभी हम लोग करेंगे द सेकेंड वाला सेकेंड वाला में क्या बोला है एक ही क्वेश्चन है लेकिन यहां पर प्रोडक्ट है विदाउट स्क्वायर इस प्रोडक्ट को प्रूव करना है इक्वल्स टू एन ठीक है चलो इन द सेकेंड पार्ट

अगर सबको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ रहा है इन ये हमको प्रूफ करना है तो पहले देखो ए वन ए टू जो वेक्टर है वो वेक्टर क्या है इट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए टू माइनस द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए वन मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए वन ए टू इज कमिंग टू वट मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड वन जेड वन अगर हम कॉमन लेते हैं तो इट इज जेड वन माइनस वन ठीक है जी तो इसको कैसे लिख सकते हो मॉड ऑफ जेड वन इन मॉड ऑफ अल्फा माइनस वन जो भी है सो इट्स है डिस्टेंस so मतलब कितना है फ्रॉम ओरिजिन दैट इज वन आई हैव ऑलरेडी मैं तो ये मेरा वन है तो इसका जो डिस्टेंस ए वन ए टू आर है वो है मॉड ऑफ वन माइनस आल्फा बोलो सिमिलरली मॉड ऑफ ए वन ए थ्री क्या आएगा बोलो मोड ऑफ ए वन ए थ्री मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ ए थ्री माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए वन अगेन यहां से हम लोग लिख सकते ऐसे करके अल्फा स्क्वेयर माइनस वन मॉड्यूलस ऑफ जेड वन एज आई टोल्ड यू इट इज वन सो इट इज अगेन वन माइनस अल्फा स्क्वेयर बोलो हाकिना सिमिलरली मोड ऑफ ए वन ए फोर क्या आएगा इट विल बी मॉट ऑफ वन माइनस अल्फा क्यूब और ऐसे करते करते जाएगा तो मॉड ऑफ ए वन ए एन ये क्या आएगा मॉड ऑफ वन माइनस अल्फा टू दी पावर एन माइनस वन बोलो हा कि ना अभी इसका अगर प्रोडक्ट निकालना है इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअली वी आर फाइंडिंग आउट ल्यू टेलमी yes no. ये सोनो मतलब ये वैल्यू का जो आंसर आएगा वही वैल्यू होगा इसका ठीक है तो अभी ये इसका वैल्यू हमको निकालना है सो फॉर दैट व्हाट आई एम डूइंग हम लोग जानते हैं कि एन एथ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है एक्स टू दावर एन माइनस वन इन एथ रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होता है वन अल्फा अल्फा क्या है ई टू पावर आयोटा टू पाई बाई एन सो जो एन रूट यूनिटी हम लोग का होता है वो है अल्फा 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 स्क्वायर ऐसे करते करते टू स्क्त पावर एन माइनस वन यही तो होता है एथ ऑफ यूनिटी जहां पर अल्फा इज नथिंग बट टू पावर आयोटा टू पाई बाई एन सो एक्स टू दी पावर एन माइनस वन को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टर फॉर्म में इन दिस वे बोलो हां की ना इसका मतलब क्या हुआ अभी बोथ साइड्स हम लिमिट ले रहे लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स वन अभी लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा इसका फॉर्मूला है एन इन टू वन टू पावर एन माइनस वन और राइट हैंड साइड में क्या होगा अभी बोथ साइड्स अगर हम मॉड ले लेते हैं तो क्या मिलते हैं इफ आई टेक मॉड ऑन बोथ साइड सो व्हाट वी आर गेटिंग एन तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है एन इज ए नेचुरल नंबर सो एन इज पॉजिटिव सो मॉट एन स्टेम एस एन विच इज इक्वल्स टू क्लियर हुआ बच्चों तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है एन इसका मतलब द सेकेंड पार्ट इज प्रूव्ड सेकेंड पार्ट हम लोगों को क्या बोला है कि प्रूफ दैट मॉड ऑफ ए वन ए टू मॉड ऑफ ए वन ए थ्री मॉड ऑफ ए वन ए फोर ऐसे करते करते मॉड ऑफ ए वन ए एन इज एन डेट एक्जैक्टली वॉट वी हैव प्रूफ हिस्टर दिस एक्सप्रेशन का वैल्यू इज एन प्रूफ्ड समझ में गया एब्सोल्यूटली अभी चलो देखते थर्ड क्या बोला है वॉट इज द थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन बोला है वन बाई ए वन ए टू अगर वन बाई ए वन ए थ्री प्लस वन बाई ए वन ए फोर है याद रखो ए वन ए टू हेयर इंडिकेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए वन एंड ए टू सो ए वन ए टू कहां पर है यहां पर है दिस इज एन ए टू ए टू क्या है जल्दी बोलो ए वन ए टू क्या है पोजिशन वेक्टर ऑफ ए टू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए वन इसका मतलब क्या हुआ जेड वन कॉमन लो इट इज कमिंग टू अल्फा माइनस वन अल्फा क्या है इवर आयोटा टू पाई बाई एन पाई बाई एन को हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए इसको थीटा लिखे हैं राइट सो इसको तुम क्या लिख सकते हो जेड वन ई टू पावर आयोटा थीटा माइनस वन मतलब क्या आ रहा है जेड वन कॉस्ट थीटर प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस वन बोलो हा कि ना सो जेड वन इफ आई टेक अ माइनस कॉमन वन माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फॉर्मूला लगाओ वन माइनस कॉस थीटा का और साइन थीटा को हम लोग क्लिक रहे। अभी देखो यहां से अगर हम टू साइन थीटा बाई टू कॉमन लेते हैं तो क्या मिलते हैं क्लियर सो so, इसका लेंथ कितना होगा मोड ऑफ ए वन ए टू क्या होगा मॉड ऑफ ए वन बाई टू विल बी टू साइन थी टू मॉड ऑफ जेड वन और मोड ऑफ जेड वन क्या है मॉड ऑफ जेड वन इज डिस्टेंस फ्रॉम दिन टू देडियस ऑफ द सर्कल जिसका रेडियस इज वन यूनिट मतलब ये होगा मॉड जेड होगा वन सो so ये कितना आ रहा है टू साइन थीटा बाई टू इज इ क्लियर ऑन नॉट अच्छा अभी करते हैं हम लोग ए वन ए थ्री अभी देखो बच्चों ए वन ए थ्री क्या आएगा ए वन ए थ्री क्या आएगा हम एक बार करते हैं यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए थ्री माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वन जेड वन कॉमन ले लो अल्फा स्क्वायर मतलब ई टू दी पावर आयोटा टू थीटा माइनस वन अभी इसको ब्रेक करे तो ऑयलस फॉर्म से कॉस टू थीटा प्लस आयोटा साइन टू थीटा माइनस वन सो क्या बन है वन माइनस कॉस टू थीटा, टू साइन स्क्वेर थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, फिर से कॉमन ले लो टू साइन थीटा तो अंदर में आ रहा है क्या माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा थीटा क्लियर देयर फोर मॉड्यूलस ऑफ ए वन ए थ्री मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा मोड ऑफ जेड वन टू साइन थीटा यस सर नो ये तुम्हारा पोलर फॉर्म है है ना तो बाहर में जो भी है दैट इज द मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर तो यहां पर मोड ऑफ ए वन ए थ्री विल बी मॉड ऑफ दिस विच इज नथिंग बट दिस वन मॉटेड इज वन सो ये बन रहा है क्या टू साइन थीटा ओनली इज इट क्लियर और क्या बचा है ए वन ए फोर हमें चाहिए अभी क्या ए वन ए फोर तो ए वन ए फोर क्या आएगा सिमिलरली अगर हम करें तो ए वन ए फोर आ जाएगा टू साइन थ्री थीटा बाई टू तुम लोग ये कैलकुलेशन करके देखो यही चीज आएगा अभी जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है ए वन ए टू इक्वल्स टू वन बाई ए वन ए थ्री प्लस वन बाई ए वन ए फोर अभी इसमें पुट करो ए वन ए टू का मतलब क्या हुआ ए वन ए टू का मतलब है टू साइन थीटा बाई टू ए वन ए थ्री इज एंड ए वन ए फोर इज इज इट थियर तो यहां पर अगर हम एल्सियम लेते हैं राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करो ओके साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग ये हम लोग का थीटा बाई टू है क्लियर अभी ये साइन थीटा बाई टू और ये साइन थीटा थी टू हम लोग कैंसिल कर सकते हैं क्यों थीटा बाई टू के नॉट बी इक्वल टू इक्वल्स टू जीरो क्योंकि मेरा थीटा कितना है टू पाई बाई एन ये कभी जीरो नहीं होगा ये समझो सो इसके लिए हम साइन थीटा बाई टू से कैंसिल किए हैं सो बचा क्या है मेरा पास अभी नाउ लेट मी अप्लाई द फॉर्मुलसेस साइन बी इन द लेफ्ट हैंड साइड सो यहां से क्या मिल रहा है साइन टू थीटर प्लस साइन थीटर इक्वल्स टू साइन थ्री थीटर बाई टू प्लस साइन थीटर करेक्ट साइन थीटा साइन थीटर गोज ऑफ सो मेरा पास बचा क्या है साइन टू थीटा थीटा का मतलब क्या हुआ टू पाई बाई एन मतलब ये हुआ फोर पाई बाई एन इक्वल्स टू साइन थ्री पाई बाई एन बिकॉज थीटा इज टू पाई बाई एन हेयर इसको तुम कैसे लिख सकते हो साइन पाई माइनस थ्री पाई बाई एन राइट सो फ्रॉम हेयर वी कैन से फोर पाई बाई एन इक्वल्स टू पाई माइनस थ्री पाई बाई एन दैट गिव्स अस सेवन पाई बाई एन इज पाई इम्प्लाइज एन इज सेवन ये सब नो वैल्यू मुझे चाहिए था वो एन इज नथिंग बट योर सेवन इज इट क्लियर अभी चलो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इन पार्ट फोर दे है ऑन द रे ओ ए वन इसके ऊपर एक पॉइंट एम है बट लाइंग आउटसाइड द एन गॉन मतलब ये जो इन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है उसका बाहर में एम पॉइंट है ऑन द रे ओ ए वन अभी प्रूफ करना है सिग्मा के स्टार्ट्स फ्रॉम वन टू एन वन बाय मॉड ऑफ एम ए के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन बाय ओ एम ओके मी जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम वंस मोर देखो यहां पर एम इज अ पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द रे ओ ए वन आउटसाइड द पॉलीगन लेट अस से इसको अगर हम एक्सटेंड कर दिया तो एम यहां पर है कहीं यहां पर है ओके अभी एम का पोजीशन वेक्टर क्या होगा लुक इट केयरफुली द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वन ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन हम लोग लिए थे इट वाज़ जेड वन राइट जेड वन मतलब इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड ई टू पावर आयोटा बीटा इन ऑयलर्स फॉर्म वेर बीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड अभी एम उसी रे के ऊपर है इसका मतलब इस रे के ऊपर कहीं पर भी तुम एक पॉइंट ले लो उसका आर्ग्यूमेंट ही होगा मतलब एम का पोजीशन वेक्टर विल बी इफ आई से दैट सेम का जो लेंथ है, है वो लेट अस से तले एम का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ओ एम E टू ई टू आयोटा बीटा इसका मतलब आर ई टू पावर आयोटा बीटा अभी इसको ही हम लोग लिख सकते हैं आर इन जेड वन क्यों बिकॉज मोड ऑफ जेड वन इज वन मतलब ए वन का कोऑर्डिनेट क्या था इट वॉज ई टू पावर आयोटा बीटा ओनली ओके सो ई टू दी पावर आयोटा बीटा इन प्लेस ऑफ दैट आई कैन राइट दिस थिंग एज Z1 वन बिकॉज जेड ही तो है इू दी पावर आयोटा बीटा बिकॉज मॉड ऑफ Z1 वन इज वन मतलब एम का जो पोजिशन वेक्टर है वो है R Z1 वन इज इट क्लियर दिस इट क्लियर अभी हम लोग को निकालना है मॉड्यूलस ऑफ एम ए वन मतलब ये डिस्टेंस निकालना है ओके तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम आर जेड वन मॉड जेड वन बाहर चले आए तो इट इज वन माइनस आर विच इज सेम एज मॉड ऑफ

आर माइनस आल्फा ये सन्नो सिमिलरली मोड ऑफ एम ए थ्री क्या आएगा मोड ऑफ आर माइनस आल्फा स्क्वे मोड ऑफ एम ए फोर क्या आएगा मोड ऑफ आर माइनस आल्फा क्यूब एंड सो ऑन सो मॉड ऑफ एम ए एन क्या आएगा इट विल बी मॉड ऑफ आर माइनस आल्फा टू दी पावर एन माइनस वन टेल मी ये सन्नो अभी इस प्रूफ पार्ट पे देखो यहां पर मुझे चाहिए सिग्मा इक्वल्स टू वन टू एन वन बाई मॉड ऑफ एम ए के इसका मतलब ये जो डिस्टेंस मुझे मिला इस डिस्टेंस का रेसिप्रोकल का सम और वो भी एक इनिक्वेशन से हमको प्रूफ करना है सो so, मेरा दिमाग में जो तुरंत चीज आएगा दैट इज एरिथमेटिक मीन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन और जिस टर्म के ऊपर हम लोग एरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन अप्लाई करेंगे वो टर्म होगा वन बाय मोड ऑफ एम ए वन वन बाई मोड ऑफ एम ए टू वन बाई मोड एम ए एन ओके इसके ऊपर हम लोग एरिथमेटिक मीन यूज करेंगे तो एरिथमेटिक मीन क्या होगा 1 by n sigma k equals to 1 to n 1 by mod of m a k this is greater than equals to nth roots of 1 by mod m a 1 1 by mod m a 2 1 by mod m a n is it clear or not absolutely abideco mod m a 1 mod m a 2 Mod M A3 is product jo hai wo actually hai kya This can be written as mod of R minus 1 mod of R minus alpha mod of R minus alpha square and so on mod of R minus alpha to the power n minus 1, which is same as your mod of. Is it clear? Now we know that r to the power n minus 1 that is the nth roots of unity can be written as okay now if i take mod on both sides yes or no so in place of this whole mod we can write mod of r to the power n minus 1 therefore this in equation is reduced to is greater than equals to nth root of 1 by mod of r to the power n minus 1. Tell me yes or no. Now we know that from basic inequation, nth root of 1 by mod r to the power n minus 1 will be always greater than or equals to nth root of 1 by mod of आर्ट टू दी पावर एन टेलमी ये क्योंकि इनिक्वेशन में जब नीचे का मतलब डिनोमिनेटर का पावर रिड्यूस होता है वो ज्यादा हो जाता है फ्रॉम अदर टर्म्स मतलब यहां परिस बी ग्रेटर देन वन बाई मोड ऑफ आर्ट टू दावर एन इसका मतलब क्या हुआ इसको अगर हम रिड्यूस करें सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा सिर्फ वन बाई आर बिकॉज आर इज हेयर पॉजिटिव इज इट क्लियर मतलब मेरा जो ये इन इक्वेशन है ये इन इक्वेशन अभी रिड्यूस कहां पर ये वाला ये वाला इक्वेशन अभी रिड्यूस हो रहा है कहां पर वन बाई एन सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन बाई आर इज इट क्लियर सो दैट इंप्लाइज सिग्मा 1 by mod m a k is greater than equals to n by r. What is r? R is the distance between O and M. So this can be written as n by O M. So proved. So that's all for this video. See you in my next video. Till then, goodbye and take care.